गलवान घाटी में कितनी देर तक खूनी संघर्ष चलता रहा? दूसरा सवाल, संघर्ष शुरू होने की वजह क्या थी? तीसरा सवाल, संघर्ष रात में कितने बजे शुरू हुआ और कब तक चला? चौथा सवाल, खूनी संघर्ष में ड्रैगन के कितने सिपाही मारे गए? पांचवां सवाल, गलवान के रक्तपात में किसका पलड़ा भारी रहा? हर देशभक्त हिंदुस्तानी के मन में आज यही सवाल कौंध रहे हैं। भारत माँ का हर लाल इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। हम आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में हर सवाल का संतुष्ट करने वाला जवाब देंगे। ध्यान से पूरी रिपोर्ट को देखिए। जी मीडिया के रिपोर्टर्स को जो सूत्रों से जानकारियां मिली हैं और दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट से जो खुफिया इनपुट्स आए हैं, हमने ये रिपोर्ट उसी के आधार पर तैयार की है। हमने घटना से जुड़ी अब तक मिली अलग अलग जानकारियों के तारों को एक्सपर्ट की मदद से जोड़कर ये रिपोर्ट तैयार की है। दरअसल गलवान घाटी में सारा झगड़ा शुरू हुआ था पेट्रोल पॉइंट 14 के पास। कई दौर की हाई लेवल बातचीत के बाद ये तय हुआ था कि इस इलाके से भारत और चीन दोनों अपनी सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटाएंगे। भारत ने समझौते की लाज रखी लेकिन चीन नहीं माना। चीनी सेना के इसी अड़ियल रवैये से ही खूनी संघर्ष की बुनियाद तैयार हुई। 15-16 जून की दरमियानी रात करीब 11:15। गलवान में हुए खूनी संघर्ष की एक ही वजह थी चीनी सेना की वादा खिलाफी। सूत्रों के मुताबिक झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीनी सेना से टेंट हटाने को कहा गया। चिशूल में जनरल लेवल की बातचीत में यह तय हुआ था कि चीन और भारत की सेनाएं धीरे धीरे विवादित क्षेत्र से पीछे हटेंगे। भारतीय सेनाएं पीछे हटने लगी लेकिन चीन जमा हुआ था पेट्रोल पॉइंट 14 से टेंट हटवाने के लिए। जब कर्नल संतोष बाबू वहां पहुंचे तो चीनी सैनिक पहले से ही हमले का मूड बनाए बैठे थे। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 1 किलोमीटर पीछे हटने का समझौता हुआ था। ये बात हाई लेवल मीटिंग में तय हुई थी जिसे दोनों ओर की सेनाओं को मानना था। भारत ने अपने टेंट हटा लिए थे लेकिन चीन के मंसूबों पर भारत को शक था। इतिहास में चीन से भारत इतने बड़े बड़े धोखे खा चुका है कि उसकी बात पर भरोसा करना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए एहतियात के तौर पर निगरानी करने स्पॉट पर पहुंचे थे 16 रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू। 15-16 जून की दरमियानी रात करीब 11:30। सूत्र बताते हैं कि कर्नल संतोष बाबू पेट्रोलिंग करते हुए पेट्रोल पॉइंट 14 पर पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो उस वक्त उनके साथ सिर्फ 2 सिपाही थे। भारत की ओर से सिर्फ पेट्रोलिंग टीम थी जबकि टेंट में चीनी सैनिक काफी संख्या में मौजूद थे। पेट्रोलिंग टीम सिर्फ निगरानी करने के लिए होती है, मुसीबत आने पर ही ज्यादा फोर्स को बुलाया जाता है। शायद कर्नल संतोष बाबू को ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि ड्रैगन हमले के लिए घात लगाए बैठा है। उनके सिर्फ टेंट हटाने की बात कहने पर ही चीनी सैनिक इतनी छोटी पेट्रोलिंग पार्टी पर टूट पड़ेंगे। पेट्रोलिंग पार्टी और संतोष बाबू को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी हाई लेवल की मीटिंग्स के बाद भी चीन की सेना इस तरह की हरकत कर सकती है। कर्नल संतोष और उनके सिपाहियों पर जान से मार डालने की नीयत से हमला हुआ। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन लोगों की शहादत कहाँ पर हुई। इस हमले में कर्नल संतोष बुरी तरह घायल हुए थे लेकिन उन्होंने अंतिम सांस कहां ली इसकी पुष्ट जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि किन किन हथियारों को लेकर चीन के पगलाए सैनिक निहत्ते भारतीयों पर टूट पड़े थे। संतोष बाबू की पेट्रोलिंग पार्टी पर बड़े बड़े पत्थरों से पथराव किया गया। उन पर लोहे की रॉड लेकर भारी संख्या में ड्रैगन के सैनिक टूट पड़े। नुकीले डंडों का इस्तेमाल किया गया, कटीले तारों से हमला किया गया, डंडों में कील लगाकर अटैक किया गया। चीनी सैनिक अपने हाथों में कील लगे दस्ताने पहने हुए थे। संतोष बाबू की पेट्रोलिंग पार्टी को वक्त रहते अपने साथियों के पास वापस पहुंच जाना था। घड़ी लगातार आगे भाग रही थी लेकिन संतोष बाबू की कोई खबर नहीं आ रही थी। उनके साथियों को अनहोनी का अंदेशा हुआ और दूसरी पेट्रोलिंग टीम पेट्रोल पॉइंट 14 के लिए चल पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक कहा जाता है कि इस वक्त तक करीब 12 बज चुके होंगे। 15-16 जून की दरमियानी रात करीब 12 बजे सीमा पर चौकसी कर रही पेट्रोलिंग पार्टियां आपस में कनेक्टेड रहती हैं। एक पेट्रोलिंग पार्टी के आने पर दूसरी रवाना होती है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जब काफी देर तक 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू की पेट्रोलिंग टीम वापस नहीं पहुंची तो दूसरी पेट्रोलिंग टीम को चिंता हुई और वो इस बार पूरी तैयारी के साथ झगड़े की जगह के लिए रवाना हो गए।
चीन ने हमेशा से दुनिया के हर मुल्क की पीठ पर ही वार किया है। एलएसी पर तैनात सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान दिलो दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह से बिठा दी जाती है। सूत्र बताते हैं कि इसी ट्रेनिंग का नतीजा था कि अब जो पेट्रोलिंग पार्टी कर्नल संतोष बाबू की तलाश में निकली वो पूरी तरह से लैस थी। इस पार्टी के पास उन सारे हथियारों का जखीरा भी था जिनसे लड़ने की इजाजत मिली हुई है। ये सैनिक संख्या में भी कम नहीं थे। उन्हें मालूम था कि हमें उस इलाके में जाना है जहां ड्रैगन ने ठिकाना बनाया हुआ है। इस बार पूरी तैयारी थी करारा जवाब देने की। रात गहराती जा रही थी और अंदाजन घड़ी की सुइयां रात 12:30 बजे के आसपास पहुंच चुकी होंगी। 15-16 जून की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे इस बार भारतीय जवान घटनास्थल पर पहुंचे। वो पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें शायद अनहोनी का अंदेशा हो चुका था। इस बार मुकाबला बराबरी का था और भारत की वीरों का पलड़ा मक्कार चीनियों पर भारी पड़ा। खुद चीन ने भी ये माना है कि उसके 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इसमें कितने मारे गए हैं इसका खुलासा ड्रैगन नहीं कर रहा। सूत्र बता रहे हैं कि पलटवार करते हुए भारतीय सेना ने ड्रैगन को करारा जवाब दिया है। इसमें उसका कमांडिंग अफसर भी ढेर हो गया है। पुष्टि तो नहीं हो पाई है लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ढेर होने वाले चीनी सैनिकों की संख्या 35 तक हो सकती है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट US न्यूज ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से दावा किया है कि लद्दाख के गलवान में 35 चीनी सैनिक मारे गए हैं जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी है। चीन अभी तक इतना तो मान रहा है कि उसके 43 सैनिक हताहत हुए हैं लेकिन गोलमोल तरीके से इस बात को छिपा रहा है कि असलियत में जान कितनों की गई है। रक्तपात के तुरंत बाद लद्दाख के इस इलाके में चीन की एम्बुलेंस चीन के स्ट्रेचर देखे गए हैं। जाहिर है चीन आनन फानन में इनको दुनिया से छुपाने की साजिश कर रहा है। चीन का एक हेलीकॉप्टर भी इस इलाके में देखा गया है जो कि हो सकता है क्रिटिकली घायल हुए सैनिकों के एयरलिफ्ट के लिए आया हो या फिर मारे गए सैनिकों के शवों को तुरंत दाएं बाएं करने के लिए भेजा गया हो। सूत्रों के मुताबिक गलवान वैली में ये खूनी संघर्ष करीब 3 घंटे तक चला। इसका मतलब है कि रात करीब 2:30 बजे तक जंग बंद हो गई होगी। 15-16 जून की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे सूत्रों से जी मीडिया को जो जानकारी मिल रही है वो बताती है कि भारत के जिन 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है उसमें से ज्यादातर की जान गलवान नदी जिसे गलवान नाला कहा जाता है इसमें गिरने से हुई है। गलवान एक छोटी लेकिन बहुत तेज बहने वाली नदी है। झड़प के दौरान कई सैनिक इस नदी में गिर गए थे। दरअसल भारत चीन सीमा पर जिस तरह से जंग होती है उसमें गंभीर चोटें आने के आसार ज्यादा होते हैं। शहादत की एक बड़ी वजह खूनी हाथापाई के दौरान सैनिकों का नदी में गिरना हो सकता है। हम लोकतांत्रिक हैं और सैनिकों की जान को हम सर्वोच्च सम्मान देते हैं। शहादतों को हमारे यहाँ अगली पीढ़ियों को बताया और सुनाया जाता है। चीन की तरह छिपाया नहीं जाता है। इस खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं जिनके नाम उनके रेजिमेंट उनके फोटो उनके राज्य का नाम सब कुछ भारत ने सार्वजनिक कर दिया है। दुनिया में कोई भी इसे देख सकता है। हम भी आपको बता देते हैं 16 बिहार रेजिमेंट के 12 जवान शहीद हुए। 12 बिहार रेजिमेंट का एक जवान शहीद हुआ। 3 पंजाब रेजिमेंट के जवान देश पर कुर्बान हो गए। 6 मीडियम रेजिमेंट के 2 जवान शहीद हुए। 81 फील्ड रेजिमेंट के 2 जवानों ने बलिदान दिया। सूत्र बता रहे हैं कि भारत की ओर से बलिदान देने वाले ज्यादातर जवान गलवान नदी में गिर पड़े थे और नदी के तेज बहाव में वो शहीद हुए। चीनी सैनिक एक पहाड़ी ओट से हमला कर रहे थे। माना जा रहा है कि चीन के कई सैनिक भी इस नदी में बह गए होंगे। हमें जवानों की शहादत पर कितना गर्व है ये आज उस वक्त देश ने फिर देख लिया जब प्रधानमंत्री ने देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी ने आज जो कहा है उससे देश का सीना एक बार फिर 56 इंच का हो गया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। 62 के सिर्फ 5 साल बाद 67 में भारत ने नाथुला में चीन को धूल चटा दी थी। भारत ने तब 65 बलिदान दिए थे और चीन के 300 सैनिक मारे गए थे। अब 62 को 50 साल हो चुके हैं 10 गुना ज्यादा। इस बार ड्रैगन का क्या हाल होगा
इतनी गणित तो छठी क्लास के बच्चे को भी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।